मायके से लिया बहू। आज अवंतिका की शादी हो रही है और शादी उसके पसंद के लड़के से ही हो रही है। अवंतिका काफी समझदार और अच्छी लड़की थी, इसलिए उसके माँ बाप भी इस शादी के लिए राजी हो गए थे। और वैसे भी अवंतिका अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी। बेटा, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इतनी जल्दी तेरी विदाई का दिन भी आ गया। हमारी बिटिया कितनी जल्दी बड़ी हो गई ना। वही तो, क्या करे, बच्चे इतने जल्दी बड़े हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। माँ, भले ही मेरी विदाई हो गई हो, लेकिन मैं तो आपके दिल में हमेशा रहूंगी ना। हाँ बेटा, और क्या, तेरी बहुत याद आएगी बेटा। अरे समधी जी, इतना परेशान मत होइए, आपकी बिटिया वैसे भी कहीं ज्यादा दूर नहीं जा रही। हमारा घर तो बस आपके घर से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है। अरे जब भी मन करे बिटिया को देखने आ जाना, है? हाँ और क्या, चिंता मत करिए, हम आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह ही रखेंगे, कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे हम लोग। हाँ अंकल जी, जैसे घर में मैं रहती हूँ वैसे ही भाभी रहेंगी, उसमें क्या। जी जी, वो तो हमें पता है कि आप लोग हमारी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। बिल्कुल, आप लोग इतने अच्छे जो हैं। हाँ माँ, मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा समधन जी, समधी जी, बातें तो बहुत हो गई, चलिए अब अपनी बेटी की विदाई भी कर दीजिए। हाँ मैं भी ना क्या बताऊँ, हर माँ बाप के लिए ना ये घड़ियाँ काफी कष्टमय होती है। हाँ पुष्पा, बहुत ही ज्यादा। जी जी, हम भी समझ सकते हैं। खैर, थोड़ी देर बाद अवंतिका की विदाई हो जाती है और अवंतिका अपने ससुराल आ जाती है। इसके बाद शादी की जो रस्में होती है वो की जाती है। शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कमला के चीखने की आवाज आती है। उसके चीखने की आवाज सुनकर दोनों लोग दौड़कर कमरे में पहुंच जाते हैं। माँ क्या हुआ? माँ जी सब ठीक तो है ना? तभी दोनों देखते हैं कि उमेश बेहोश पड़ा हुआ है। माँ जी, पापा जी को क्या हो गया? अरे देख तो क्या हो गया, इन्हें अचानक से बेहोश हो गए। विनोद अपने पिता को उठाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठते, इसलिए विनोद तुरंत अपने पिताजी को लेकर कमला और जया के साथ अस्पताल के लिए निकल लेता है। हे भगवान, पापा जी बस ठीक हो जाए। बेचारी अवंतिका अपने ससुर जी के लिए बहुत परेशान होती है। वहीं करीब 2 घंटे बाद सभी लोग वापस घर लौट आते हैं। क्या हुआ, डॉक्टर साहब ने क्या कहा? क्या बताऊं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पिताजी की किडनी खराब है, जल्दी ही किडनी ट्रांसप्लांट करवाना होगा। क्या? हाँ, लेकिन तुम्हें पता है ना कि वैसे ही पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनकी दवाइयों में कितना खर्चा होता रहता है, ऊपर से ये नई मुसीबत। लेकिन कुछ तो करना होगा, मैं अपने पिताजी को नहीं खोना चाहता अवंतिका। विनोद, मैं हूँ ना, रो मत, पैसों के लिए मैं अपने माता पिता से बात करती हूँ ना। लेकिन बेटा। नहीं नहीं पापा जी, आपकी सेहत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज आप मना मत कीजिए। ठीक है बेटा, लेकिन पैसों की जरूरत हमें कल ही होगी, पहले किसी दाता को ढूंढना होगा। जी जी जरूर। उसी शाम अवंतिका अपने मायके जाती है और अपने माता पिता को सारी बात बताती है। उसके पिताजी उसे फौरन 6 लाख रुपए दे देते हैं। थैंक यू अवंतिका, अब पिताजी का ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। जी। और उसकी ससुर जी का ट्रीटमेंट शुरू होने लगता है। इसी बीच एक दिन, आज काफी गर्मी हो रही है ना माँ जी? हाँ वाकई में, अरे कल तो तेरे पापा जी को रात में गर्मी के कारण बहुत उलझन हो रही थी, लेकिन मैंने ना तुम लोगों को नहीं बताया, सोचा क्या ही बेवजह तुम लोगों को परेशान करो। नीनी माँ जी, ऐसा मत सोचा करिए, अब सारी बात हमें बताइए। वैसे अभी पापा जी की तबीयत कैसी है? बेटा अभी तो ठीक है, लेकिन क्या करूँ, कहीं गर्मी के कारण फिर से उन्हें वैसा ही ना होने लगे, डर लगता है मुझे तो। लगता है कूलर से भी कोई काम नहीं हो रहा है ना माँ जी? हाँ बहू, इतनी गर्मी में तो एसी ही ठीक रहता है, अगर कहीं से एसी का इंतजाम हो जाता तो ठीक रहता, लेकिन तू ना विनोद से कुछ मत कहना, क्योंकि कुछ पुराने लोन है, बेचारा वो अभी तक चुका रहा है। जी मम्मी जी, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं अपने मम्मी पापा से कहकर एसी मंगवा लेती हूँ। अरे बेटा लेकिन। अरे लेकिन विकिन कुछ नहीं, ये सब तो चलता रहता है। और अवंतिका के माता पिता अपनी बेटी के ससुर के कमरे में एसी लगवा देते हैं। समय बीतता जाता है,
एक दिन जया अपने कमरे में बैठकर रो रही थी, तभी अवंतिका अपनी ननद को देख लेती है। क्या हुआ ननद जी? कुछ नहीं भाभी। अरे बताइए तो आखिर क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? हमसे अपनी बातें शेयर कीजिए, क्या पता हम आपकी मदद कर पाए। वो भाभी, मुझे ना मेकअप आर्टिस्ट बनना था, लेकिन उसके कोर्स के लिए तो बहुत पैसे लगेंगे, क्या करूं? मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगी। अरे अब चिंता मत करिए ननद जी, मैं पैसों का बंदोबस्त कर देती हूँ। कुछ पैसों के लिए अपने सपनों को छोड़ देना तो सही बात नहीं है। सच्ची भाभी, आप हमारी मदद करेंगी? हाँ हाँ पक्का। चलिए अब अपने आंसू पोछिए। लेकिन भाभी, आने जाने का खर्चा वो सब भी तो होगा। अरे आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जब तक आपका कोर्स चलता रहेगा तब तक खर्चा हम करेंगे। भाभी आप बहुत अच्छी हैं। वो तो हूँ मैं। और अवंतिका फिर से अपने मायके से पैसे ले लेती है। वहीं जया का मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स शुरू हो जाता है। खैर इसके कुछ दिन बाद विनोद अपने पिताजी को लेकर अपनी माँ के साथ मुंबई जाता है। अवंतिका तुम अपना ख्याल रखना। हाँ आप लोग चिंता मत करिएगा, बस पापा का अच्छे से ट्रांसप्लांट हो जाए वहाँ। हाँ भैया। और तीनों लोग वहाँ से मुंबई के लिए निकल जाते हैं। घर में सिर्फ अवंतिका और जया ही रहते हैं। उसी शाम जब अवंतिका जया के कमरे की सफाई कर रही थी तो उसे वहाँ पर एक बहुत महंगा मोबाइल मिलता है। अरे भाभी प्लीज किसी को घर में मत बताइएगा, मेरा ना एक बॉयफ्रेंड है, उसी ने मुझे ये महंगा मोबाइल दिलाया है। अच्छा ठीक है। इसके कुछ दिन बाद अवंतिका को एक लड़की का कॉल आता है। वो लड़की अवंतिका को कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं ये नहीं हो सकता। 4 दिन बाद तुम मुझे विशाल रेस्टोरेंट पे मिलो, मैं तुम्हें सारे सबूत दिखाती हूँ। 2 दिन बाद विनोद अपने माता पिता के साथ वापस लौट आता है। माँ जी पापा जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है ना? हाँ लेकिन लेकिन जब तेरे पापा जी डिस्चार्ज हो गए तो पता चला कि बिल तो बहुत ज्यादा आया है। अभी तो बेटा 5 लाख देने बाकी है। उस समय तो हमने तुझे कुछ बताया नहीं क्योंकि विनोद ने कहीं से लोन का बंदोबस्त कर लिया था। अब पता नहीं वो लोन हम कैसे भर पाएंगे। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं फिर से पिताजी से बात करती हूँ। अवंतिका अपने पिता को कॉल लगाती है। बेटा अब तो पैसे खत्म हो चुके हैं, एक जमीन बची है, उसी जमीन को बेचना पड़ेगा। हाँ पिताजी आप प्लीज पैसों का बंदोबस्त कर दीजिए। और इस बार भी अवंतिका को अपने माता पिता से पैसे मांगने पड़ते हैं। अवंतिका के दिल में अभी भी उस लड़की की बातें घूम रही थी, इसलिए एक दिन वो उससे मिलने के लिए जाती है। तुम्हारे पति का चक्कर चल रहा है, मैं उसके एक्स हूँ, मुझे तुम्हारे पति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक दिन जब मैं मार्केट में थी तभी मैंने उसे एक औरत के साथ देखा, फिर मुझे पता चला कि उसकी शादी तुमसे हुई है, इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हें ये सब बता रही हूँ। निशा अवंतिका को सारे सबूत दिखाती है। अवंतिका तो टूट जाती है। इसके बाद वो घर जाती है और देखती है कि उसका पति, उसकी ननद, उसकी सास और ससुर बैठकर उसी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बढ़िया नाटक करवाया आपने माँ, पापा के बीमार होने का। इस नाटक की वजह से हमें मुंबई में ट्रिप करने को मिला, बहुत मजा आया कसम से। हाँ और नहीं तो क्या, तभी तो इतने पैसे हमने आए थे उनसे। हाँ मेरे मेकअप कोर्स के लिए सिर्फ 80,000 लगने थे, मैंने तो सीधा 2.5 लाख मांग लिए, और देखो मुझे नया फोन भी मिल गया। तभी अवंतिका कमरे के अंदर आती है। मुझे यकीन नहीं होता कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं। और विनोद तुम? अवंतिका तुम? हाँ मैं, मुझे आपके अफेयर के बारे में भी सब कुछ पता चल गया है। अवंतिका मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। झूठ। और वैसे भी अब मैं आप लोगों की बात पर यकीन कैसे करूं? आप लोग इतने लालची निकलोगे मुझे यकीन नहीं होता। छी अवंतिका सुनो तो। अरे चुप कर विनोद, इसने बहुत बोल लिया, अब मुझे बोलने दे। सुन बहू, एक तो तेरे माँ बाप ने फ्री में मंदिर में शादी करवा दी, उनके कितने सारे पैसे बच गए। अगर हम लोगों ने थोड़े से पैसे मांग लिए तो इसमें कौन सा पाप कर दिया। मम्मी जी मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। चुप कर, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने तो वही पैसे तुझसे लिए जिस पर हम सभी का अधिकार था। नहीं तो क्या, पैसे ही तो लिए, कौन सी आपकी जान ले ली हमने। वैसे भी आपके पापा के पास बहुत सारा पैसा है, अगर थोड़े पैसे दे दिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई।
वही तो, सब कुछ फ्री में चाहिए इनको। माँ जाने दीजिए, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, मुझे अब यहाँ एक पल भी नहीं रहना। अवंतिका रुको। नहीं विनोद, अब आपने अपने पति होने का अधिकार भी खो दिया है। अवंतिका अपना सामान पैक करके घर से निकल जाती है। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं, तभी एक दिन विनोद किसी पुल के किनारे खड़ा था और अवंतिका के बारे में सोच रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अवंतिका, मुझे माफ कर दो। तभी पीछे से निशा आती है। गुड बॉय विनोद। वो जैसे ही उसे धक्का देने वाली होती है कि तभी वहां पर अवंतिका आकर निशा को रोक लेती है, जिससे विनोद की जान बच जाती है। अवंतिका निशा को जोर का तमाचा मारती है। तभी पीछे से अवंतिका के ससुराल वाले और मायके वाले भी आ जाते हैं, जिन्हें अवंतिका ने ही बुलाया था। तुम्हें क्या लगा निशा कि मुझे सच्चाई का पता नहीं चलेगा? मैं पिछले कुछ दिनों से तुम पर नजर रख रही थी, तभी मुझे पता चला कि तुम विनोद से बदला लेना चाहती हो और उसका कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चल रहा, ये सिर्फ तुम्हारा नाटक था। सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका है और बहू भी वापस घर आ जाती है। माथुर परिवार की बेटी शेफाली शादी नहीं करना चाहती थी और इस वजह से मिस्टर और मिसेस माथुर काफी परेशान रहते थे। उन्होंने कई बार अपनी बेटी शेफाली से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन शेफाली हर बार ये कहकर बात को टाल देती थी कि उसे शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। शेफाली का एक भाई भी था, उसका नाम था विशाल। शेफाली की उम्र लगभग 30 साल की हो चुकी थी और विशाल उससे छोटा। एक दिन मिस्टर माथुर कहते हैं, शेफाली बेटा, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो आने वाले वक्त में विशाल की शादी में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी। आखिर क्या वजह है, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? पापा, अब मेरी जॉब लग चुकी है और कॉलेज के टाइम में भी मुझे कोई पसंद नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे किसी लड़की के साथ रहने और उससे शादी करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन बेटा, इस तरह अकेले जिंदगी तो नहीं कटती, तुम्हें अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। नहीं मम्मी, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। ये शादी, बच्चे, किसी के साथ जिंदगी भर रहना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन बेटा, विशाल की भी शादी की उम्र हो चुकी है, हमें उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ तो विशाल की शादी करने में क्या प्रॉब्लम है पापा? मुझे शादी नहीं करनी है, ये मेरा डिसीजन है, विशाल शादी कर सकता है। कुछ दिनों के बाद मिस्टर और मिसेस माथुर विशाल की शादी वर्षा नाम की एक लड़की के साथ कर देते हैं और वर्षा माथुर परिवार के साथ रहने लगती है। एक दिन वर्षा और विशाल जब अपने कमरे में बातें कर रहे थे। जानती हो वर्षा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ विशाल। चलो इसी बात पर अब जल्दी से मेरे पास आ जाओ। तभी अचानक से शेफाली वहां पर आ जाती है। क्या हो रहा है? हाँ, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? दिन दहाड़े रोमांस करने में लगे हुए हो, मम्मी पापा भी घर पर ही है। लेकिन शेफाली दीदी, हम तो अपने कमरे में हैं, किसी के सामने थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं। बेश शर्मी की भी हद होती है, आजकल की लड़कियों को तो बस लड़कों से चिपकने का बहाना चाहिए। मुझे देखो, आज तक किसी लड़के को छुआ तक नहीं है, मैं हाथ तक नहीं मिलाती किसी लड़के से, पूरी ब्रह्मचारी हूँ। लेकिन दीदी, मेरी और वर्षा की शादी हुई है, वो मेरी पत्नी है और अगर वो मेरे पास आती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है, मुझे ज्यादा लेक्चर मत दो, तुम्हें बाहर मम्मी बुला रही थी, यही कहने आई थी। विशाल और वर्षा शेफाली के साथ कमरे से बाहर आते हैं। विशाल बेटा, बहुत दिन हो गया हम पूरी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर नहीं गए। हाँ विशाल बेटा, और इसलिए तुम्हारे पापा कह रहे थे कि सब लोग साथ में मूवी देखने चलते हैं। बहुत अच्छा प्लान है मम्मी, मैं भी वर्षा से यही कह रहा था कि कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है मम्मी जी, हम लोग टिकट बुक करवा लेते हैं आज शाम की ही और सब साथ में चलते हैं। शाम को सब लोग मूवी देखने के लिए थिएटर पहुंचते हैं। वर्षा और विशाल एक दूसरे के पास वाली सीट पर जैसे ही बैठने की कोशिश करते हैं, हटो तुम दोनों यहाँ से, यहाँ तुम दोनों के बीच वाली सीट पर मैं बैठूंगी। अरे शेफाली, ये क्या कर रही हो? उनकी नई नई शादी हुई है, उन्हें साथ में बैठने दो। हाँ बेटा, वो दोनों मियाँ बीवी है, तुम उनके बीच में बैठकर क्या करोगी?
अरे मम्मी, थोड़ी देर इनका दूर रहना जरूरी है, बैठने दीजिए ना मुझे। और जिद करके शेफाली वर्षा और विशाल के बीच में बैठ जाती है। ये बात वर्षा और विशाल दोनों को ही अच्छी नहीं लगती। कुछ दिनों के बाद, वर्षा जरा इधर आओ मेरे पास, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बताइए दीदी, क्या हुआ, कुछ काम था क्या आपको? देखो वर्षा, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सोया करो। लेकिन दीदी, वर्षा आपके कमरे में सोकर क्या करेगी? क्यों, तुमसे दो दिन भी अपनी बीवी से दूर नहीं रह जाता क्या? बेटा, विशाल सही तो कह रहा है, और वर्षा को तुम्हारे कमरे में सोने की क्या जरूरत है? बस ऐसे ही मम्मी, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन वो मेरे साथ रहे, मुझसे बातें करे। अगर एक दो दिन मेरे कमरे में सो लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा? बेटा, उनकी अभी अभी नई नई शादी हुई है, तुम तो कुछ भी नहीं समझती हो। अरे मम्मी, शादी होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि दिन रात एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे से चिपक कर रहो। अब हो गई ना शादी, मुझे देखो 30 साल से ऊपर की हो गई हूँ, लेकिन अभी तक ऐसी कोई फीलिंग मेरे दिल में नहीं आती। माथुर परिवार शेफाली की इन हरकतों से परेशान हो जाता है, और फिर वर्षा और विशाल मिलकर एक प्लान बनाते हैं। शेफाली दीदी, मेरे ऑफिस का एक कलीग है, उसने अभी अभी ज्वाइन किया है, कुछ दिन वो हमारे ही घर आकर रहने वाला है। अरे, ऐसे कैसे कोई अनजान लड़का हमारे घर में आकर रहेगा? अरे बेटा, किसी की मदद करने में क्या बुराई है? अच्छा ठीक है, लेकिन उससे कहना कि घर की औरतों से थोड़ा दूर ही रहे, ज्यादा बात करने की और चिपकने की जरूरत नहीं है। और कुछ दिनों के बाद अमन नाम का एक लड़का जो शेफाली की उम्र का था, मिस्टर माथुर के घर पर रहने आता है। एक दिन सुबह के वक्त, वैसे शेफाली जी, शायद आपसे किसी ने कहा नहीं, लेकिन आप दिखने में बहुत खूबसूरत हैं। देखो, तुम अपने काम से काम रखो, मुझे इस तरह की झूठी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मन ही मन शेफाली को अमन का अपनी तारीफ करना बहुत अच्छा लगता है। और फिर अगले दिन, शेफाली जी, आप ऑफिस जा रही है, मैं भी उधर ही जा रहा था, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी, मैं किसी लड़के के साथ घर से बाहर जाना पसंद नहीं करती। अरे कोई बात नहीं, एक ही रास्ते पर जा रहे हैं, इसमें क्या हुआ, चलिए बैठ जाइए। वो चलो ठीक है। शेफाली अमन के साथ चली जाती है। एक दिन ऑफिस से आने के बाद, माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, आप प्लीज मेरे लिए कॉफी बना दो, बहुत सर दर्द हो रहा है। बेटा, मुझे तो अपनी किटी पार्टी में जाना है, बहुत जरूरी है, और तेरे पापा भी अपने दोस्तों से मिलने के लिए गए हुए हैं। कोई बात नहीं माँ, वर्षा से कह दो, वो मेरे लिए कॉफी बना देगी। वर्षा शॉपिंग पर गई है विशाल के साथ, बेटा तुम खुद बना लो ना। इतना कहकर मिसेस माथुर वहां से चली जाती हैं। वर्षा के सर में जरा सा दर्द होता है तो विशाल कैसे लपक कर उसके लिए दवाई लेकर आता है, उसके लिए चाय बनाता है। यहाँ मेरे लिए कोई भी नहीं है। तभी वहां पर अमन आता है। किसने कहा आपके लिए कोई नहीं है, आप आराम करिए, मैं अभी आपके लिए कॉफी और आपकी दवाई दोनों लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच। थोड़ी देर बाद अमन शेफाली को दवाई देता है और अपने हाथों की बनी कॉफी भी पिलाता है। वैसे शेफाली जी, आप गलत सोचती है, देखिए लड़के उतने बुरे भी नहीं होते, और अगर जिंदगी में एक लाइफ पार्टनर हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। ठीक कहते हो, तुम्हारे आने के बाद मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है, लगता है मुझे भी अब अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, मैं आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने को तैयार हूँ। अमन की बात सुनकर शेफाली खुश हो जाती है, और रात को जब मिस्टर और मिसेस माथुर घर आते हैं, माँ पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। शेफाली दीदी, हम सब जानते हैं आपको क्या बात करनी है। आप अमन के साथ शादी करना चाहती हैं ना? अरे लेकिन आप लोगों को ये बात कैसे पता? क्योंकि ये हमारा ही प्लान था। और मैं तो अमन को पहले से ही जानती हूँ। क्या, ये सब आपने जानबूझकर किया? तो क्या करते बेटा, जिंदगी भर अपनी बेटी को ब्रह्मचारिणी बेटी तो नहीं रहने देते ना। देखो बेटा, शादी करना और खुश रहना कोई बुरी बात नहीं है।